अनिका हाँ क्या हुआ मामा? ये देखो मैं क्या लाई हूँ। ये क्या है? ये बेटा ये डेट्स है, खजूर। ये बहुत अच्छा होता है, खाना खा के देखना चाहिए। खा के देखो। नहीं ये तो मैं कभी नहीं खा, ये बहुत गंदा है। बेटा खा ले अनिका, टेस्ट तो करके देख। ये बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है। नहीं खाऊंगी। इम्यूनिटी बढ़ती है अनिका। नहीं। सो फ्रेंड्स, अनिका ने तो खजूर खाने से मना कर दिया है, बट मैं भी उसकी माँ हूँ और ये मैं उसको ज़रूर खिला के रहूँगी और मैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन करूँगी। इसके साथ कुछ और भी अच्छी अच्छी न्यूट्रिशियस चीज़ें ऐड करके मैं बनाऊँगी बर्फ़ी और ऑफ कोर्स वीडियो करूँगी आपके साथ शेयर। चलिए देखते हैं कैसे बनेगी ये बर्फ़ी और इसका लुक कैसा होगा, बच्चों को अट्रैक्ट करेगा या नहीं, एंड आई एम श्योर बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी अट्रैक्ट करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहले क्या करेंगे, हम इसकी स्किन निकाल लेंगे। तो पहले मैं इसकी स्किन निकाल लूँगी जो थोड़ी सी मुझे हार्ड लग रही है, और इसका पल्प सारा हम निकाल लेंगे। ये खजूर बहुत ही जूसी हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से इसका ये स्किन मेरे हाथों पे चिपक रहा है और इसकी बहुत ही अच्छी मिठाई बनती है। खजूर का सारा पल्प हमने निकाल लिया है और ये जो स्किन निकाली है इसको फेंकना नहीं है, इसको हम मिक्सी में ग्राइंड करके एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये कुछ इस तरह का हम पेस्ट रेडी कर लेंगे। एक पैन में पानी को मैंने बॉयल कर लिया है और इस बॉयल पानी में मैं एक कप आलमंड्स ले लूँगी जो मैं अपनी बर्फ़ी में ऐड करने वाली हूँ, और इसका हमें स्किन निकालना है। इसके लिए हम इसको इस उबले हुए पानी में डाल देंगे और 1-2 मिनट्स तक हम इसमें इसको सोक करके रखेंगे। 2 मिनट बाद मैंने गर्म पानी निकाल दिया है और इसमें डाल दिया है ठंडा पानी, जिससे कि इसकी स्किन लूज़ हो जाएगी और निकालने में ईजी रहेगा और ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे कि हमने इसको ओवरनाइट के लिए पानी में सोक करके रखा हो। हम इन सारे छिले हुए आलमंड्स को मिक्सी में ग्राइंड करके एक दरदरा पाउडर बना लेंगे। अब हमने जो खजूर का पल्प निकाला था उसको भी हम मिक्सी में हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे जिससे ये थोड़ा सा इवन हो जाए। अब बर्फ़ी हमारी बस बनने ही वाली है, उसके लिए अब हमने लिया है एक कढ़ाई और इसको रखा है गैस पर, और इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच देसी घी का और इसमें हम जो भी हमारा सारे पेस्ट हैं वो सब इसमें डाल के हम मिक्स कर लेंगे। ये खजूर का ग्राइंड किया हुआ पल्प है जिसको मैंने डाल लिया है कढ़ाई में, और इसी के साथ जो हमने इसकी स्किन निकाली थी उसको भी हम इसमें डाल देंगे, और प्लस जो हमने अपने बादाम ग्राइंड किए थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं डालना है, ये ऑलरेडी बहुत ही मीठा है इसलिए शक्कर की ज़रूरत नहीं है। ये डायबिटिक लोगों के लिए बहुत ही परफेक्ट बर्फ़ी है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करती है और वेट लूज में भी हेल्पफुल होती है। अब बर्फ़ी का शेप देने के लिए मैंने इस तरह का ये एक टिफ़िन ले लिया है और इसमें मैंने लगा दिया है घी, और जो भी हमने पेस्ट बनाया था वो हम इसमें प्लेस कर देंगे अच्छे से। बर्फ़ी को ऊपर से गार्निश करने के लिए मैंने ये पिस्ता लिया है जिसको मैं इस तरह से लंबे लंबे शेप में कट कर रही हूँ, और मैं इसको पूरी बर्फ़ी में अपना ऊपर से स्प्रेड कर देंगे और इसका लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। ये पेस्ट हमारा अभी गर्म है तो इसके लिए हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे जिससे कि ये थोड़ा सेटल हो जाए, और ये कुछ इस तरह का हो जाएगा जिससे कि हम इसके पीसेस आसानी से कट कर पाएंगे। ये बर्फ़ी के इस तरह से हम स्क्वायर पीसेस कट कर लेंगे। अब इसको थोड़ा और डेकोरेट करेंगे, और मैंने बर्फ़ी के हर पीस पर इस तरह के कट किए हुए काजू लगा दिए हैं जिससे इसका लुक बहुत ही सुंदर हो गया है, और ये रेडी है हमारी खजूर की बर्फ़ी। सो फ्रेंड्स, बर्फ़ी हमारी रेडी हो चुकी है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसा इसका लुक है। चलिए अनिका को खिला के देखते हैं उसका कैसा रिएक्शन आता है। लेट्स गो अनिका। क्या हुआ मम्मा? बर्फी। वाव, इसमें बर्फी। खा के देखो। ठीक है। कैसी है? वाव, ये तो बहुत अच्छी है। अच्छी लगी? हाँ। सारा फिनिश करना है ना। डू यू लव इट? यस।
तो फ्रेंड्स ये है हमारी बर्फी जो मैंने बनाई है खजूर से। कैसी है, टेस्टी है ना? हाँ। पसंद आई? हाँ। ये मैंने बनाई है। मम्मा, मम्मी की अच्छी बर्फी कैसे बना पाई? देख लो, मार्केट जैसी लग रही है। चलो सो फ्रेंड्स, ये खजूर की बर्फी बनाइए, इसे घर पे ट्राई कीजिए, और प्लीज वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलूंगी आपसे नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।